याल इस्लाम इधर नजर की मंडी में आए हुए हैं और यहाँ पे काऊ ले रहे हैं और इनको इंशाल्लाह कामयाब करके खिलाएंगे। हर साल लेते रहते हैं और ये नबीला सिस्टर और एक मोमिन है उनकी तरफ से लिया गया है और अल्लाह आप सबको सलामत रखे। चलिए जी, ये हमने नबीला सिस्टर आपके लिए और एक भाई मोमिन ये ले लिया है और माशाल्लाह पे पिछले साल तो सस्ते थे, अभी इससे डबल हो गए क्योंकि डॉलर रेट में बहुत चढ़ गया है। हम ले रहे हैं इंशाल्लाह, मौला हुसैन की कुर्बानी करेंगे, मौके पे करीम रेलवे 120 पर। और आपके लिए बहुत सारे, हम तो ऊँट लेने आए थे मगर ऊँट नहीं मिला, जुम्मे के दिन मिलेगा ये अल्लाह के करम से पैसे दे दिए और ख़रीद लिया है। ये ज़ायरीन के लिए बेहतरीन, सबसे ज़्यादा जो मंडी में अच्छा था तो हमने वो ख़रीदा है और ये मौला हुसैन के नाम पर ज़बह किया जाएगा। नबीला सिस्टर न्यूयॉर्क और उनके जितने भी जिन्होंने हिस्से लिए उनके लिए, और एक मोमिन भाई हैं उन्होंने हदिया सेंड किया था उनकी तरफ से। और इंशाल्लाह कल जो है ऊँट खरीदेंगे इंशाल्लाह जुमे के दिन या खमी जुमेरात के दिन। तो ये देख सकते हैं आप, बहुत ही ऑस्ट्रेलियन काऊ है और बेहतरीन हमने लिया है, सबसे अच्छा वाला जो है, देखने में बहुत प्यारा खूबसूरत और माशाल्लाह जी माशाल्लाह बहुत ही प्यारा। और इसके अलावा जो आप यहाँ पे देखेंगे ये जो मंडी में हैं वो ऐसे छोटे छोटे ऐसे मुकाबले के नहीं होंगे ना, हमने जो चीज़ ली हमने यहाँ पे चीज़ ली हुई है ज़िबा के लिए मौला के नाम, सबसे बेहतरीन चीज़ है और इसके मुकाबले में कोई भी नहीं है, बहुत ही प्यारी। ठीक है, देख सकते हैं आप, बहुत ही खूबसूरत देखने में भी। ये मौला हुसैन के नाम पे इसको ज़िबा किया जाएगा, ज़ायरीन को खिलाया जाएगा। लब्बैक या हुसैन, अल्लाह पाक अपने इस न्याज को कबूल फरमाए आपकी, अल्लाह बरकत दे आपको, जिस जिस मोमिन ने न्याज दिया था वो उसको भी शामिल कर देते हैं। अस्सलाम मदद नबीला सिस्टर आपकी तरफ से और जिन मोमिन हमारे एक मोमिन भाई ने हिस्सा दिया उनकी तरफ से ये मौला का न्याज ज़िबा किया जा रहा है इंशाअल्लाह। और ये जो खूबसूरत जानवर लेके आए मौला हुसैन के नाम पे इसको ज़िबा किया जा रहा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, लबैक या हुसैन लबैक या हुसैन। सलात अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, चले जिसको ज़िबा करना है ज़िबा हो गया। आप अल्लाह अकबर के तके और उसको ज़िबा अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अज्जल फरजहु ज़िबा किया जा रहा है जानवर को और ज़ायरीन को इंशाल्लाह इसका न्याज खिलाया जाए, कबाब वगैरह जो भी हैं। पिछले साल भी किया गया था और इस साल भी ज़िबा जो है जानवर को ज़िबा किया जा रहा है मौके पे करीम अहल बैत पे और अल्लाह पाक कबूल फरमाए और ज़िबा खैर से हो। अब मेरे मौला हुसैन के ज़ायरीन को खिलाया जाएगा, इनके कदमों के सदके में अल्लाह पाक कबूल फरमाए जो ज़ायरीन को ये न्याज खिलाया जाएगा। मैंने ज़ायरीन की काफ़ी तादाद मौजूद है, 13 सफर मुजफ्फर नबीला सिस्टर आपके लिए और एक मोमिन और जिन मोमिन मोमिन ने शिरकत की और जो भी नियत करेंगे उन सबको शामिल किया जाएगा। अल्लाह पाक कबूल फरमाए आपके सदिये को न्याज को, जो पिछले साल भी न्यूयॉर्की सिस्टर और उनके ग्रुप वालों ने न्याज हदिया सेंड किया था, इस साल भी जो है मोमिन की तरफ से न्याज किया गया है। मौके पर करीम अहल बैत आपके सामने है और यहाँ पर इस साल कुर्बानी की गई है, तो ये कुर्बानी आपके सामने रखी गई है मौके पे करीम अहल बैत के सामने, तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक कबूल करे अपनी बारगाह में। चलें जी ज़िबा हो गया खैर से यहाँ पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, यकीनन है और इंशाअल्लाह सारे मोमिनी ने ये कमेंट्स किया था अक्सर, जब जानवर ज़िबा करें मौला के नाम पर तो हमें वीडियो बना के दीजिएगा, हम भी देखें इस ना मौला के रास्ते पे किस तरह की कुर्बानियाँ होती हैं। ऊँट ज़िबा किया जाएगा 2 दिन के बाद, क्योंकि आज हम ऊँट लेने गए थे वो नहीं मिला, तो वो 2 दिन के बाद ही मिलेगा, जुमेरात को या जुमे को मिलेगा। तो वो इंशाल्लाह जो मोमिनीन भी हैं, ये तो हमारी खाला अम्मा की तरफ से है और उन्होंने कहा कि आपके यूट्यूब में जितने मोमिनीन हैं
जो भी आपको ये कहें कि शाकिर भाई हमारे ऊँट की कुर्बानी में हमें शामिल करें, उनको आप शामिल कर लें, पैसे ना दें, सिर्फ नियत ही कर लें, फिर भी कर तो इंशाल्लाह सब सारे के सब जिंदा और मरहूमीन और शहदाए मिल्लत जाफरिया तमाम की तरफ से, इमाम ज़माना की तरफ से ये कुर्बानी है ज़ाहिरीन इमाम हुसैन की। शाकिर भाई अस्सलाम वालेकुम। चलें जी, यहाँ पर जो है जो जो ज़ाहिरीन आ रहे हैं दूर से आवाज़ें देकर जा रहे हैं, शाकिर भाई हम आपकी वीडियो देखते हैं, शाकिर भाई आपके गांव से आए हैं, शाकिर भाई हमारी माएँ आपको सलाम देती हैं, हमारी बहनें हमारे भाई, दिल खुश हो जाता है कि पूरे साल इतनी मेहनत की वो मोमिन आए सामने, इनके लिए दुआ की गई आपकी दुआओं से हम आए, तो बड़े तो यकीन मेरे लिए तो खुशी का दिन होता है, हमारे लिए यही खुशी आती है कि मोमिन हमारी दुआओं से हमारी ज्यारतों के उधर पहुँचे। ये सारी वीडियो इसके लिए बनाता हूँ ताकि मोमिन के अंदर शौक ज़ियारत बढ़े। और आपको दिखा रहा था कि यहाँ पर कौन कौन सी ज़िबा होती है, एक एक मौके पर कितने जानवर ज़िबा होते हैं, दिन में बहुत ही ज़्यादा खिदमत हम कर रहे हैं, तो कुछ भी नहीं है मौला हुसैन के नाम पे, ये तो कुछ भी नहीं है, हम चाहते हैं इससे बढ़ के करें, दिन रात मेहनत करके हम करें, तो इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। आपको ये सारे मनाजिर जहाँ पे भी हों आपको दिखाए जाएंगे, जिस तरह की कुर्बानी ऊँट की कुर्बानी आपको दिखाऊँगा, अब इसके जो कबाब बनाए जाएंगे, जो जो चीज़ें बनाई जाएगी, इसके गोश्त है वो भी आपको इंशाल्लाह दिखाई जाएगी। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। ये दुआ का एक जुमला कमेंट ज़रूर कीजिएगा जिन मोमिनों ने ये न्याज किया, अल्लाह पाक उनकी। अल्लाहुम्म सल्ली अला मोहम्मद व आलि मोहम्मद। गरम गरम नान और रोटियां ज़ायरीन के लिए, और आज हमने मछली बनाई हुई है, और मछली का दिल था ज़ायरीन को खिलाने के लिए, तो उसको पूरा करते हुए اللهم صل على محمد وآل محمد بہترین خدمات زائرین کے لیے مچھلی کی یہاں پر زائرین مچھلی کھا رہے ہیں اور ان کے ساتھ ان کو لسی بھی دی گئی ہے اور روٹیاں گرم گرم جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ بھی مومنین کی طرف سے ہی ہے جو آٹا لایا گیا تھا اور تربوزہ ایپل یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہے ڈیلی لے آتے ہیں حاجی بشار یہاں پہ کھڑا ہوا ہے بہترین خدمات ہیں زائرین جا رہے ہیں کربلا کے راستے پہ اور یہاں پہ بہترین خدمات ہو رہی ہیں مچھلی آج ان کو کھلائی جا رہی ہے ہمارے دوست قدیم ان سے مل رہا ہوں میں بہترین خدمات موقع پہ کریم الوید پہ زائرین کو صفرہ لگا کے بہترین طریقے سے کھلائے جا رہے ہیں احترام کے ساتھ اور جتنی مرتبہ بھی مانگیں گے اتنی مرتبہ دیا جائے گا اور بڑے پیار اور خلوص کے ساتھ انشاءاللہ منظور يلا
هذا اللي ترى عمي ها I'm